उसके अलावा बाइक में आपको ओपन चेन बॉक्स टाइप स्विंग गम, पिलियन ग्रेविल्स और विंडशील्ड देखने को मिल जाती है। प्राइसिंग के बारे में बात करें तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन ग्रेवल ग्रे और मिरर सिल्वर एडिशन आपको 2,05,784 की एक्स। हेलो एवरीवन, दिस इज अमकरनाथ एंड यू आर वाचिंग नोवा वॉच योर मशीन। अगर आपको भी आपके बाइक पे घूमना पसंद है और अगर आपको भी लद्दाख जैसी जगह पे घूमने का शौक है तो रॉयल एनफील्ड आपके लिए लेके आया है रॉयल एनफील्ड हिमालयन BS6 2021 मॉडल, जिसको स्पेशली टूरिंग पर्पज के लिए बनाया गया है। लुक्स के बारे में बात करें तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन आपको नेक स्ट्रेट फाइटर लुक्स में देखने को मिल जाती है। और अगर कलर के बारे में बात करें तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन आपको 6 डिफरेंट कलर वेरियंट में देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको ग्रेवल ग्रे, लेक ब्लू, रॉक रेड, मिराज सिल्वर, ग्रेनाइट ब्लैक और पाइन ग्रीन कलर देखने को मिल जाता है। लाइटिंग्स के बारे में बात करें तो फ्रंट में आपको हेलोजन हेडलैम्प के साथ हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिल जाती है और उसी के साथ आपको रियर में हेलोजन टेल लैम्प के साथ हेलोजन इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के बारे में बात करें तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन में आपको डिजिटल प्लस एनालॉग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिल जाता है, जहां पे आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गॉज, कंपास, नेविगेशन, टेम्परेचर और गियर इंडिकेटर और टाइम देखने को मिल जाती है। और उसी के साथ आपको लो बीम, हाई बीम, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, न्यूट्रल, लो बैटरी और एक्सक्लेमेटरी साइन देखने को मिल जाती है। हैंडल बार के बारे में बात करें तो लेफ्ट हैंडल बार में आपको पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम, लेफ्ट राइट इंडिकेटर और हॉर्न स्विच देखने को मिल जाती है। और उसी के साथ आपको राइट हैंडल बार में इंजन किन स्विच और इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच और हैजर्ड लाइट स्विच देखने को मिल जाती है। फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन में आपको 15 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। माइलेज के बारे में बात करें तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन में आपको 25 से लेकर 38 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देखने को मिल जाती है। इंजन के बारे में बात तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन में आपको 411 सीसी की सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक ऑयल कूल्ड VS6 कंप्लायंट SOHC इंजन देखने को मिल जाती है, जहां पे आपको 24.31 PS की मैक्सिमम पावर और 32 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिल जाती है। गियरबॉक्स के बारे में बात करें तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियरबॉक्स देखने को मिल जाती है। टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन में आपको 140 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। सस्पेंशन के बारे में बात करें तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन में आपको डुअल चैनल ABS के साथ डुअल डिस्क देखने को मिल जाती है। टायर्स के बारे में बात करें तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन में आपको फ्रंट में 90x90 सेक्शन की 17 इंचेस वाला और रियर में 120x90 सेक्शन की 17 इंचेस वाला ट्यूब टायर देखने को मिल जाती है। व्हील टाइप के बारे में बात करें तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन में आपको स्पोक्स व्हील देखने को मिल जाती है। सीट हाइट के बारे में बात करें तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन में आपको 800 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है और उसी के साथ आपको 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 199 kg इसका कर्व वेट भी देखने को मिल जाती है। एग्जॉस्ट के बारे में बात करें तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन में आपको राउंड शेप एग्जॉस्ट देखने को मिल जाती है। सीट टाइप के बारे में बात करें तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है। और स्पेशली सीट कुशनिंग के बारे में बात करें तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन में आपको काफी सॉफ्टर सीट कुशनिंग देखने को मिल जाती है। उसके अलावा बाइक में आपको ओपन चेन बॉक्स टाइप स्विंग गम, पिलियन ग्रेविल्स और विंडशील्ड देखने को मिल जाती है। प्राइसिंग के बारे में बात करें तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन ग्रेवल ग्रे और मिरर सिल्वर एडिशन आपको 2,05,784 की एक्स शोरूम प्राइसिंग में और 2,39,181 के ऑन रोड प्राइसिंग में देखने को मिल जाती है। और उसी के साथ आपको रॉयल एनफील्ड हिमालयन लेक ब्लू और रॉक रेड एडिशन आपको 2,09,529 की एक्स शोरूम प्राइसिंग में और 2,43,285 की ऑन रोड प्राइसिंग में देखने को मिल जाती है। और लास्टली रॉयल एनफील्ड हिमालयन ग्रेनाइट ब्लैक और पाइन ग्रीन एडिशन आपको 2,13,273 की एक्स शोरूम और 2,74,386 ऑन रोड प्राइसिंग में देखने को मिल जाती है। सो आई होप कि मैं सारे टॉपिक अच्छे से कवर कर पाया हूँ। फिर भी अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे बता देना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नया हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और अगर आपको बाइक से रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख सकते हो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। We'll be right back.